का तो मेरी बहना उनके लिए पैगाम है जिनका नाम है राबी पीर दादा। अल्लाह पाक ने उनको हिदायत अता फरमाई, अल्लाह पाक हमें भी मज़ीद हिदायत नसीब फरमाए और उनको अप्रीशिएट करने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि उनको मोटिवेट करने की तौफीक अता फरमाए, बजाय उनकी तनकीद करने या टांगे खींचने की बजाय आप तनकीद करें। आप नहीं कर सकते, कुछ ना करें, दुआ नहीं कर सकते, आपका दिल इतना छोटा है कि उसमें अल्लाह के बंदों की मोहब्बत नहीं समाई जाती, ना करें। लेकिन मैं अपनी बहनों को पैगाम देना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें बेवाओं को, बल्कि औरतों को इकट्ठा किया गया, गरीब को, मुस्तहकीन को। तो बहना ने कहा कि जो बेवाह हैं वो अलहदा हो जाएं, दूसरी अलहदा हो जाएं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिनके खावन तो हैं लेकिन काम नहीं कर सकते या फिर बीमार हैं, तो वो शोहर के होते हुए भी वो बेवाह हैं, उनकी कोई हेल्प करता ही नहीं, इसलिए कि उसका खावंद है। अल्लाह के बंदे, खावंद तो है, खावंद 2 साल से, 4 साल से, या साल से, या 6 महीने से काम नहीं कर रहा, तो वो फिर दुआ करती हैं कि अल्लाह पाक इसे उठा ही ले तो अच्छा है, मैं बेवा हो जाऊं तो कोई हेल्प तो करेगा। खुदा रा मेहरबानी करके अल्लाह पाक आपके जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मेरी बहना को मज़ीद इज़्ज़त और इफ़त और हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक आपके माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैं अप्रीशिएट करता हूँ मैं अपनी बहना राबी पीरज़ादा को कि अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है जिन काम के लिए, आप इससे बिल्कुल दस्तबरदार ना होना। लोग कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, मगर अल्लाह के बंदे जो हैं वो अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत बांटते रहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।